लोगों के बाद मैं नहीं मिलने वाला हूं, क्योंकि मैं दो दो साल तीन तीन साल मेरी तारीख बुक हो चुकी है। साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है, मैं वो इंसान हूं, मैं पढ़ा लिखा इंसान, तीन विषय का मैं मेरिट का स्टूडेंट हूं, एमए का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। मैं कोई मामूली इंसान आप लोगों के पास नहीं आया हूं, मस्त पढ़ा लिखा हूं, पीएचडी कर रहा हूं, अपनी टीम को लेकर बाबा साहब का कारवा सारे देश में बता रहा हूं। तो ये सिंपल वाली बात नहीं है, क्योंकि बरसों से बंद थे जिस घर के दरवाजे, आज तू उस घर का मेहमान। बरसों से बंद थे ना आप लोगों के दुकान मकान, तो आप लोग अगर मनोरंजन की दृष्टि से देखोगे तो फिर प्रोग्राम फेल है, क्योंकि आप लोगों को फिर कव्वाली चाहिए, आप लोगों को नाच गाने वाले अगर प्रोग्राम चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध बनकर जब भी प्रोग्राम शुरू करता है तो कुछ बताता है, मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। जहां आसाराम बाबू 4.5 घंटा प्रोग्राम करेगा और बरसात यहां लाएगा, मैं अनिरुद्ध बनकर हूं, ना तो अनिरुद्ध बापू हूं, ना आसाराम बापू हूं, और ना कोई ढोंगी बाबा हूं, ना कोई अपना फुसफुसा बाबा हूं, क्या नाम है उसका, रामदेव बाबा। ये दुकान बेचने वाले बाबा नहीं है, हम केवल एक ही बाबा को मानते हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा, बाबा तो बाबा भीम बाबा, बाकी सगड़ा बाबा ना खोल खड्डा बाबा। तो ये बाबा की कहानी केवल इन लोगों ने बाबा साहब को महार मांगो तक रखा, वैसे भी मांग समाज हमसे दूर चला गया, क्योंकि उनको कांग्रेस और बीजेपी ने बुला लिया, उनको हिंदू रखा गया। और बाबा साहब बहुत रोते बिखरते हैं कि काश अगर मुझे बेटी होती तो मैं मान समाज के लड़के को देता। क्या बाबा साहब, वाह। तो बाबा साहब का इतना प्यार किसी ने किसी के सामने रखा ही नहीं, अगर नहीं रखा तो बाबा साहब एक जाति के बन गए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज फिर मराठा के हो गए, हिंदुओं के हो गए। लेकिन मैं आज खुली सभा में प्रोग्राम में कहूंगा, ये तो ना राजा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुओं के थे ना मराठा के थे, तो फिर पॉलिटिक्स वालों ने, पॉलिटिशियन वालों ने हिंदू के राजा मराठों के राजा क्यों बनाया। तो मैं कहूंगा, शिवाजी महाराज ना तो आप हिंदू मुसलमान के हो, ना हिंदू मुसलमान के हो, ना हिंदुओं के हो, ना तो आप मराठा के हो, आप राजा हो तो इस भारत के राजा हो, हमारे देश के राजा हो। मराठ्यांचा राजा म्हणून मराठ्यांनी शिवाजीला जवळ केलं आणि राज्यकर्त्या लोकांनी मराठ्यांची मत घेतली, आणि इथे महाराजांचा आणि बाबासाहेब आंबेडकर म्हणून दलितांचं तेवढंच ठेवलं। महाराष्ट्रातला महार बौद्ध झाला, शहाणे झाले म्हणून झगडे झाले, 100 पक्ष फुटले। युपीमध्ये चांबार समाज एकत्र आला आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा समाज पुढे वळला। म्हणजे या घटनांचा घटनाक्रम पुढे जात असताना बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीला खिंडार पडलं आणि लोक हसू लागले, ये दलित समाज ऐसा ही बेचने वाला समाज है। इस प्रोग्राम में अगर हम बाबा साहब की, भीमराव की, शिवाजी महाराज की जयंती अगर मनाते हैं, कुछ मिलता है तो करो, नहीं तो हर साल हमारे पैसे खर्च होते हैं, आउटपुट हमें कुछ नहीं मिलता, और केवल पॉलिटिकल लोग आते हैं, भाषण देते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन चंद्रमणि मनोहर जी और सुनील जी और एक विचार एक मंच के सारे लोगों ने आज ना तो पॉलिटिशियन को बुलाया, ना कारपोरेटर आए, ना एमएलए आया, और सबसे बड़ा प्रोग्राम आज सामाजिक तौर पर आपने किया, इसलिए मैं फिर से तालियां मारूंगा।